मैं आज आपको शाही टोकरी की रेसिपी दे रही हूँ अपने स्टाइल से, बिल्कुल जो कि जल्दी बन जाए और मज़ेदार भी हो। इधर मेरा देखिए तिमाम हो रहा है, तिमाम हो रहा है दूध में वो डाल के। नीचे रखो, देखिए हमारा ये शाही टुकड़ा तैयार। अब इस पर जितना आपको, मैंने दूध से ही चीनी में क़िमाम बना लिया था इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ डालूंगी नहीं, बस किशमिश और नारियल का बुरादा मैं डाल दे रही हूँ। चिकन तंदूरी का मसाला आपको दे रही हूँ, बिल्कुल आसान। धनिया पाउडर गया, अब जीरा पाउडर जाएगा, काली मिर्च, चाट मसाला, इसमें ये नींबू जाएगा। मेरे पास 5 लेग पीस है, करीब से 500 ग्राम होगा। मेरे पास 6 लेग पीस है, उसमें एक नींबू डाल दे रही हूँ। धनिया डाला, कोई इसमें पैकेट वाला या बाज़ार का कोई मसाला मैंने डाल दी, सब चीज़ घर का। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, जाएगा ये गरम मसाला। और जाएगा ये लहसुन अदरक एक चम्मच के करीब। ये कट लगेगा अच्छे से, कट लगा दीजिए ताकि मसाला अंदर तक एकदम पी ले। नमक जाएगा, नमक नहीं दिया था मैंने। ये अच्छी तरह से मसाला को इसमें लगा दूंगी। इस टाइम आपके पास ज़्यादा है तो 2 घंटा छोड़ दिया, नहीं तो कम से कम 20 से 25 मिनट। तो अच्छी तरह से इसमें अंदर अंदर देखिए मसाला लगा दूंगी। मैं आज आपको बिल्कुल बोलूं,
आदत काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फूल, दालचीनी, चार जीरा, सब कुछ का टुकड़ा इसमें डाल दें। थोड़ा सा गर्म मसाला चला लिया। देखिए मेरा चावल में पानी पूरा चला गया, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, तब मिलती हूँ आपसे होने के बाद। आपको पनीर की रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल मैं आसान तरीके से आपको पनीर की रेसिपी दूँगी। प्याज, तेल डाला, तेल गर्म हो जाएगा, प्याज और हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, जैसे थोड़ा सा ब्राउन होगा मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। मैं बिल्कुल आप लोग को आसान तरीके से खाना बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल जल्दी बन जाए, फास्ट। जैसे मैगी 2 मिनट, वैसे पनीर 2 मिनट। 2 मिनट तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मैं आपको चाहूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी। इसमें मैं लहसुन अदरक थोड़ा सा डालूंगी, 2 मिनट लहसुन अदरक डाल के रखूंगा। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी, टमाटर जब हो जाएगा तो बाद मसाला डालूंगी, थोड़ा सा धनिया जाएगा, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सी एकदम थोड़ी सी गरम मसाला, इसमें खास चीज जो जाएगा वो नारियल का बुरादा। देखिए नारियल का बुरादा मैं डाल रही हूँ, देखिए नारियल का बुरादा, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी।
आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, मैं टमाटो सॉस डाल दूंगा, सोया सॉस नहीं डाल दूंगा। थोड़ा सा पानी डालते हैं, मसाला भूनेंगे ताकि जले नहीं। अब इसमें मैं दही डाल दूंगी दो चम्मच। अब इसमें हसबे जायफा नमक जाएगा, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। अब मैं इसमें पनीर को डालूंगी, मेरा 250 ग्राम पनीर है। तक तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं उसको अच्छी तरह से भूनूंगी। आज मेरा किचन बहुत मैसी सा हो रहा है, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है, 2 चम्मच, और इसमें ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा था अब इसको डाल देंगे तंदूर होने के लिए। मैं बिल्कुल ओवन में नहीं डाल इस्तेमाल कर रही हूँ, गलावट के कबाब की रेसिपी दे रही बना रही हूँ। रेसिपी तो नहीं दे रही, बस बनाती दिखा रही हूँ। मैंने इस पर कुछ ज़्यादा नहीं किया,
पीमा पीसा, पीमा हरी मिर्च और लहसुन अदरक, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नींबू है, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, बस झटपट वाला काम कर रही हूँ आज, झटपट झटपट हो जाए। इसमें एक चम्मच घी डाल के इसमें बस ऊपर से वो कर देंगे, और आपके पास अगर लकड़ी का कोयला है तो उसका धुआं दे दीजिए, बस हो गया। शानदार सर लंच तैयार, देख लीजिए।